अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दें। हमने ये चैनल बनाया है लोगों तक आसान तरीक़ा से तशखीस और तजवीज़ पहुँचे और कुनोने ते पूरी दुनिया में राइज हो। तो आप वीडियो सुनने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक करें, डाउनलोड करें, बार बार सुनें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद में फ़र्क है क्या बुढ़ापे में भी औरत और मर्द की नब्ज में फ़र्क होगा? कि मैंने लिखा हुआ है कि बुढ़ापे के अंदर मर्द और औरत की नब्ज तकरीबन एक हो जाती है, क्योंकि मर्द के भी जिस्म के जो पुर्जे हैं वो तहलील की वजह से कमज़ोर होते हैं, और नौजवान या वो मर्द हो या वो औरत हो तो दोनों की नब्जें जो है वो उजलाती सादगी तक चली जाती हैं। अगर खुदी हो गई तो फिर तो वो जवान है, अगर वो उसकी असाबी होगी तो फिर वो बीमार है जी। अगर उजलाती सादगी नब्ज है, बुढ़ापे की शक्ल है, तो आप समझें कि इसकी नब्ज अब फितरी तौर पर आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके किसी भी, यानी अगर उजलाती साबी नबद है, अगर वो चावल ज़्यादा खा रहा है तो बीमार तो हो जाएगा ना जी। जी या वो अंडे ज़्यादा खा रहा है तो साफ ज़ाहिर है वो बीमार तो होगा। अब आपने जो चीज़ उसके अंदर बढ़ गई है उसको कम करना है। एक उसकी फितरी नबद है, वो उसकी सेहत वाली है, जैसे मैंने नौजवान की बताई है। इसी तरह मर्द और औरत की उजलाती साबी नबद जो है वो सेहत वाली है। अगर वो नबस उजलाती साबी दो उंगलों पे है लेकिन ये सेहत वाली नबज नहीं है, सेहत वाली नबज जो है उसका अतवार और है और इसके अंदर ढीलापन है, कमज़ोरीपन है दो उंगलों पर, बुढ़ापे की वजह से उसके अंदर बलगम की जाती है। और मैं फिर यहाँ एक बात इशारा करता गया हूँ कि रतूबत जो है वो रूह में से, जिस्म में से जब निकली है तो वो तहलील हुआ है और तहलील के सबब बुढ़ापा आया है। और वो रतूबात जो है, जैसे मर साहब ने छोटा सा खाका बना दिया था कि जो रतूबतें नुचड़ी हैं वो हकीकी थी, वो ख़त्म हो गई हैं, अब वो गैर हकीकी। शाबर साहब ने इसको यूं समझा दिया कि एक लकड़ी गीली है और एक खुश्क लकड़ी को पानी में डुबो दिया जाए 10 दिन 15 दिन, वो भी गीली हो जाए, तो वो गीली तो ज़रूर होगी लेकिन वो रतूबत जो फितरी उसके अंदर थी वो नहीं। आप तबीब हैं, आप इन बातों को अच्छी तरह जोड़ सकते हैं जी। मेरा जवाब मुकम्मल हुआ जी, और कुछ शायद नहीं। देखो जी, ये मेरे सबक का हिस्सा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। उजलाती हिसाबी बर्मी नबद होगी, अल्लाह ला खैर सला, दो उंगलियों को अगर वो बारीक नबद हो गई है तो वो दो से अगर ये आगे की तरफ जाएगी तो ये बर्मी शक्ल होगी। ये इसको उजलाती खुदी इरतकाई नबद शुमार करेंगे तो इसका इलाज जो है वो 4 नंबर और 5 नंबर होगा। हाँ जी सर, जवान औरत की अगर यूट्रस रिमूव हो जाए, जी यूट्रस रिमूव हो जाए जवान औरत जी, तो उसकी नब्ज में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी साफ जाहिर है